स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज जो लेसन हम करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रोड नॉट टेकन। ये हमने कल इसका एक्सप्लेनेशन हमने समझा था और आज हम इसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है MCQs। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? The poet wants to go dash the roads together both equally or similarly। ठीक है, इसमें से कौन सा सही आंसर है? आई थिंक इट शुड बी बोथ द रोड्स, इट्स नॉट टुगेदर, इट शुड बी बोथ द रोड्स। ठीक है, दोनों रोड पे वो जाना चाह रहा था, बट ही नोज दैट यू नो ही कैन नॉट टेक बोथ द रोड्स एट वन टाइम। ठीक है, तो ही हैड टू लीव वन फॉर द अदर डे एंड ही टुक द फर्स्ट वन। ऑल दो नोइंग दैट यू नो एक बार उस वहाँ से जाने से है ना पता है कि शायद है ना पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं कुछ समय बाद, राइट। द पोएट लुक डाउन एज डैश ही कुड एज फार एज ही कुड। ठीक है, जब भी कोई आप लाइफ में डिसीजन लेते हो तो आप जो चीज़ें आपके सामने हैं उसके बारे में आप ठीक से सोचते हो। तो लुक डाउन एज फार एज ही कुड, राइट। वन ऑफ देम रोड इज़ नॉट सो गुड, वन ऑफ द रोड इज़ नॉट सो गुड। ठीक है, वो एक रोड जो था वो इतना ठीक नहीं था। द पाथ्स आर अबाउट The paths are about the same and are fallen dash on both look pretty fresh. The fallen leaves, वहाँ पर जो leaves पड़े हुए थे वो एक रास्ते में, they looked very fresh लग रहे थे। The poet dash on how he plans to take the road that he didn't take another way. The poet indicate on how he planned to take the road and that he didn't take another day। ठीक है, वो plan to take the road यानी वो indicate कर रहा है कि वो किस तरह से वो road लेगा, कौन सा road लेने वाला है, and he is not willing to give it another day, right? वो उसी दिन करना चाहता है। In the future the poet will be talking about how his dash was final and life changing, his decision was final। फ्यूचर में जब है ना वो व्हेन ही विल लुक डाउन, ओके इमेजिन कि क्या हो रहा है तब है ना, हाउ इज डिसीजन वाज फाइनल, उसका डिसीजन जो है वो किस तरह से फाइनल है वो उसको पता चलेगा। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है वो है ट्रू और फॉल्स। द पोएट हैज़ कम टू वर्क इन अ पाथ इन द वुड। फॉल्स, वो है ना वो काम करने नहीं आया है वुड में, वुड यानी फॉरेस्ट। ठीक है, इसलिए वो फॉल्स है। द पोएट लुक डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टेक द अदर पाथ, ट्रू। ठीक है, दोनों जो रास्ते हैं उसने बहुत अच्छे से उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसने अदर पाथ जो है वो चूज़ किया। यस, दैट वाज करेक्ट। द पोएट वाज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन द फर्स्ट पाथ, फॉल्स। फर्स्ट पाथ वो जो था है ना वो बहुत ही क्लीन था, सब लोग है ना उसके ऊपर जा रहे थे, पर उसने वो रास्ता अपनाया नहीं। द पाथ्स आर कवर्ड विथ लीव्स विच हैवन बीन टर्न ब्लैक बाई स्टेप्स क्रशिंग देम, ट्रू। ठीक है, दूसरा जो पाथ था वो लीव से कवर किया हुआ था और वो ब्लैक नहीं हुए थे। ठीक है, लोग चलते हैं उसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर पैर रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, राइट। इस तरह से नहीं हुआ था, राइट। सो इट इज ट्रू। द पोएट रियलाइज दैट इज होप्स टू कम बैक एंड ट्राई अनदर पाथ मे बी फुलिश, ट्रू। ठीक है ना, तो एक बार उसने रास्ता सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस तरफ इसी रास्ते से जाऊंगा, फिर उसके बाद में फिर से वापस आना और देखना कि भाई ये शायद हो सकता है कि वो नहीं आ पाए। ओके, दैट वाज ट्रू। ही वाज श्योर दैट ही वुड गो ऑन द फर्स्ट रोड सम अदर डे। ठीक है, फर्स्ट रोड में सम अदर डे वो जा सकता है, ट्रू। ओके, पर है ना शायद उसने आई थिंक। ओके, लेट्स सी नाउ, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली आपको इसके आंसर्स देने हैं। वे टू द टू रोड्स डाइवर्ज,
इन अ येलो वुड में, मतलब एक फॉरेस्ट में जो है वो डाइवर्ज हो रहे थे. वॉट आर टर्निंग कलर्स, लीव्स आर टर्निंग कलर्स बिकॉज ऑफ ऑटम, द लीव्स आर टर्निंग कलर्स. विच वे डज द पोएट वॉन्ट टू गो, बोथ द रोड्स, ही वॉन्ट टू गो ऑन बोथ द रोड्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉट वॉज द पोएट्स डिसीशन, पोएट का डिसीशन क्या था, ही विल टेक अनदर पाथ सम अदर डे. ठीक है, जो अनदर पाथ है वो किसी और दिन लेगा, वो उसका डिसीजन था. वॉट वॉज द डाउट इन पोएट्स माइंड, पोएट्स माइंड में क्या डाउट था, द पोएट सस्पेक्ट्स दैट ही प्रॉब्ली वॉन्ट एवर कम बैक. ठीक है, तो पोएट को डाउट ये था कि वो एक बार एक रास्ता लेने के बाद में जो है वो फिर से वापस आएगा, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उस तरह से वो पोएट सोचता था. ओके, नाउ वी फिनिश्ड ऑल द फोर क्वेश्चंस, वी आर ओनली लेफ्ट विद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट. चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द रोड लुक अट्रैक्टिव टू द पोएट. रोड जो है, पहला जो रोड है वो क्यों अट्रैक्टिव लग रहा था. बोथ वेज आर इक्वली वॉर्न एंड इक्वली ओवरलेड विद अनट्रोडन लीव्स. बोथ द जो थे जो रास्ते थे, दोनों जो रास्ते थे वो इक्वली ओवरलेड, यानी उसके ऊपर पत्तियां बिछी हुई थी, एंड वेयर अनट्रोडन लीव्स, मतलब वहाँ पे लीव्स जो थे उसके ऊपर कोई पहले चला नहीं था, ऐसा वो दोनों रोड्स थे. Why did the poet consider about the other road? दूसरा जो road है उसके बारे में उसका क्या सोचना था. He thinks the path he decided to take is not quite as worn as the other one. ठीक है, दूसरा जो रास्ता था वो पहले के वाला जो रास्ता है उससे थोड़ा अलग था. क्यों अलग था, क्योंकि उसने वो जो road है वो बहुत सारे लोग उसके ऊपर नहीं चले थे. Why did the poet think about the path he decided to take? Is not quite as worn as the other because it was grassy and wanted wear, and so it had a better claim. But he has go down the road, he realized that it was really worn about the same as the other road. ठीक है, ये road था, दूसरा वाला road जो वो choose कर रहा था कि मुझे जाना है इसके ऊपर, वो grassy और wanted wear था. grassy मतलब उसके ऊपर बहुत सारा grass था, leaves थे. ठीक है, और बहुत कम लोग जो है, एंड बेटर क्लेम, यानी वो बेटर इसीलिए उसको लगा कि वहाँ उस रास्ते से है ना बहुत कम लोग गुजर चुके हैं, तो वो रास्ता उसको फिर लगा कि भाई चलो देखते हैं, एक नया रास्ता है तो कुछ नया हमको सिखाएगा. बट ही हैज़ गो डाउन द रोड, ही रियलाइज दैट वॉज रियली वन अबाउट द सेम एज द अदर रोड. ठीक है, सेकेंड रास्ता जो सेम है ऑलमोस्ट पहले रास्ता की तरह, जैसे उस रास्ते पे वो चला. Why did the poet suspect that he probably won't ever come back? पोइट को क्यों ऐसा लगा कि वो वापस नहीं आएगा. Because he has come far away on the other path from where the returning is very difficult. ठीक है, पहले रास्ते पे वो इतना आगे आ चुका है कि फिर पीछे जाना, फिर से दूसरा रास्ता लेना इज डिफ़िकल्ट. सो ये कहता है कि भाई रिटर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक्सप्लेन द लाइन्स, आई टूक द वन लेस ट्रैवल बाय. ठीक है, ये वाला जो है आपको एक्सप्लेन करना है. ओनली फ्यूचर विल रिवील वेदर द चॉइस वॉज राइट और रॉन्ग, बट ई कैंट गो बैक टू रिवर्ट योर चॉइस. ठीक है, ही टूक द लाइन, ये इसका मतलब क्या है, आई टूक द वन लेस ट्रैवल बाय, मतलब वो एक रास्ता मैंने ऐसा चूज़ किया जो बहुत कम लोग हैं ना उसके ऊपर पहले चले थे. ओके, और फ्यूचर में जाके जो है ना चॉइस उसका राइट है या गलत है, बट के नॉट गो बैक टू रिवर्ट योर चॉइस. चॉइस है ना, आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो उस पर आप कई समय तक, बहुत समय तक उसके ऊपर चले हो, तो इसीलिए उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेड ऑल द डिफरेंस, मेड ऑल द डिफरेंस, यानी चेंज एवरी थिंग फॉर हिम, राइट, चेंज फॉर मोर, मतलब बहुत कुछ चेंज हो कर दिया क्योंकि वो डिसीजन लिया है ना इस तरह से, तो इसीलिए वो सब कुछ उसकी लाइफ में डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ही मेड. ठीक है, जिस रास्ते से चलने का उसने डिसीजन था उसकी वजह से काफ़ी कुछ हो गया. ओके, चेंज फॉर मोर. वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम, राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, देर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर.
राइट इन योर ओन वर्ड्स. द थीम ऑफ द पोएम इज अ पोएट इनर कॉन्फ्लिक्ट इन डीलिंग विद डिफरेंस. ठीक है, डीलिंग विद डिफरेंस मतलब आपके पास अगर दो रास्ते हैं, यू विल बी इन डायलेमा कि भाई आपको कौन सा रोड लेना है, एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता आप चूज़ करना चाहते हो. ठीक है, वो एक साफ़ सुथरा रास्ता चूज़ करना चाहोगे या थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला जहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हो, जान सकते हो और कुछ एडवेंचर भी होगा, उस तरह से आप सोचते हो. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड के है ना, आप किस तरह से आपके लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल करते हो. ठीक है, तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है सब लोगों का, उसके बाद में डीलिंग विद डिफरेंस. डिफरेंस है तो किस तरह से हम चीज़ों को डील करते हैं, दिस लेसन इज ऑल अबाउट दैट. चलिए इतना ही, ये लेसन पूरा होता है. और अब ये लेसन के पूरे जो भी क्वेश्चन आंसर्स है आपको अपने नोटबुक में लिखना है. पीडीएफ आपके एज़ यूजुअल आपके जो टेक्स्ट बुक है, ग्रुप है, ग्रुप में आएगा, तो आपको ये ठीक से लिखना है अपने नोटबुक में. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.